अस्सलाम वालेकुम एंड जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मुझे तमाम व्यूअर्स के। किए हो खैरियत से हो, खुश है हो, जिंदगी किए हैं, जिंदगी में छा कुछ थी रहो है, छा कुछ अन्या थियणो है, छा ओड़े पाड़े वारन का खबर वरती है। असा वट एक एडो अड़ो एकड़ो कॉमन सो मसलो अची वो है। असा वट पहरियों जमानो कुछ बो हों, असा दिसंदा हसी तो पाड़े में भी छा पो थे, तो खानदान में भी छा पो थे। अजकल असा भेण भाव किथे अरीब करीब आन, तो असा उन्हें भी खबर न वा। यो एक अड़ो इंप्रेशन सोसाइटी से पई रो है, जो असा न सिर्फ असाजे कल्चर का दूर कर रो है, बल्कि असाजे रिलिजन का भी असा दूर कर रो है। सो जी इन वक्त सिंधी में चवंदा आहिनि न, सवली सिंधी में तो अख पटण की जरूरत है। तो इन वक्त एक्चुअली वह सिचुएशन है जैसे असेंगे गौर फिक्र जरूर करो है, गरोगर गौर फिक्र इन शे भी करो है। तो अज जो सुबह ढी प्यारी प्यारी जी थी है, कल रात का डिफरेंट पाकिस्तान के एरियाज में ढी खूबसूरत बरसात सिलसिलो स्टार्ट हुआ, पर फाइनली फाइनली कराची जो वेदर भी जो है वो हाँ ढो खूबसूरती ढो प्यारे तरीके से वेलकम कर रो है। ढो प्यारे तरीके से असा उन वेलकम कर रहा हूँ, वो असा के वेलकम कर रो है। अज सुबह जो जी मल निकतम तो मुख्य ये लगो तो किथे को शाम जो को मंजर है, को सुबह वाली जो अक्सर सुबह वाली फील जो थी है स्पेसिफिकली इन सीजन में, वह सुबह वाली फील किथे हुई को वरी जो सोने से सुहागो चब अड़ी का जो शे थी है, वह एक ढी खूबसूरत शे नजर आई। तो असा वट अक्सर अस नंढी नंढी शयन से चाहता है, तो नंढी नंढी शयन से इंसान खुश थी वो है। तो ही वह प्यारी सी फील है, या वह प्यारी सी नंढड़ी सी फील है, जेका एक्चुअली सुबह मुझे जहनन में भी आई, मुझी फीलिंग में भी आई। पर आई एम श्योर तो जी भी मानो उन टाइम से सुबह जो निकता हों, जरूर उन्हें भी फील किया हों, जेका नंढी नंढड़ी नंढी नंढी बूंदू जी पवन तेज जी मेल तुम ड्राइव कर रहा हों, या तो हूँ भी गाड़ी में वेठा हों, विंड स्क्रीन से जो प्यारी सी बूंदू जी पवन हैप्पीनेस तक दींदन इन गर्मी का यकीन कर, यकीन कर अड़ी का फीलिंग तक बी मिली थी सके, जो तक सुबह सुबह इं फीलिंग जो तक मिली है। अच्छा जी, उन गो एक बी शी सुी थी है असा वटी कॉमनली असें नजर इंदी है, दैट इज जैसे भी अड़ो को वेदर थी है, तो ट्रैफिक जो निज़ाम है वो किथे दरम भरम थे नजर इंदो है। असा खबर ना छो ये लगन है, तो शायद जिंदगी की पे आखिरी या फीलिंग है, पे आखिरी यो वेदर है जो असें मिलो है, उनके मिलो न, तो असा सब एक साथ ही निकरना है। न सिर्फ असा निकरना है, बल्कि असा अपनी सारी फैमिलीज के भी खड़े निकरना है, छुट्टियों प्लान करना है। मां कदें कदें सोचिंदी आं तो इंसान इतने नंढन नंढन शयन से भी कितरो कुछ सेलिब्रेट करे तो। मुआशरे में इतना दुख आन, मुआशरे में इतनी प्रॉब्लम्स आन, किथे टैक्सिस जहाँ मसला है, किथे बजट जहाँ मसला है, किथे अनएम्प्लॉयमेंट है, किथे खोड़ सारी शन, बट उन जैसे का इतनी शे असा के मिले थी, तो अस कितरो कितरो वेलकमिंग अंदाज से उन खुशी के असा वेलकम था क्यों। ही उवे खुशियों आन जी यकीन कर कें भी स्पेसिफिकली अस हमेशा फाइनेंशियल शयन से जोर हों, असा कितरो भी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग थी वनो, उन खुशी अस हासिल क्यों ना, ही उ खुशी है जेका उन्हें तमाम शयन से भारी थी थे। सो इन खुशियन के पंजन रिश्तन से जैसे तुम सेलिब्रेट कर था, तो वह खुशी अना प्लस थी वे, अधिक उन मज़ो है वो दोबारा थी तो वे। तो जी ही हूँ तो चाहता तो ईदन तो याद क्यों, पर मुझे हमेशा हमेशा यो चवण हों, कहीं भी अड़ी तरह फील का फील थे जैमें दुखन में तो अस हुआ ही पहजन ना भरना आयो, पर छो न इन नंढन खुशन में भी अस पहजन ना भर न स्टार्ट अस भेण भावन का पा क्यों, छो तो अस सिस्टर्स ब्रदर्स जो रिश्तों है वो भी किथे हाँ परे परे पो वे। सो स्टार्ट उन्हें का क्यों, जैसे भी अड़ी का खुशी फील थे ना, तो नंढड़ी सी तो एकड़ी कॉल कर उन्हें जरूर पुछे तो यार तुम दिठो है न गल दिठो है कुछ अड़ो थी रो है, तुम दिठो है चाहे तहारी साइड बारिश थी रही है। ये ब खुशी जहाँ लफ्ज तहजी उन रिश्ते में, उन खूबसूरत रिश्ते में जो खुदा तला तक दिनों है, इतनी खूबसूरती भरे छो उए गुल भरे छो जो तेजे रिश्ते में ढी ढी तेज ढी प्यारी खुशबू ते रिश्ते में भरे छो। तो जरूर अज का असो हद करो है, तो जैसे भी को अड़ी सुी कंढड़ी फीलिंग थी तो असा जरूर पहन के कॉल कंदी, असा के ओकेशन जो इंतजार न कंदी, बल्कि इन नंढन नंढन खुशियन में उन्हें भी शामिल कंदी। अच्छा जी, शामिल क्यों था प्रोग्राम में पंजन मेहमान के भी गो गुरे प्रोग्राम के उन हिस्से के जो इंटरटेनमेंट जो मुजाहरों कह असने प्रोग्राम में असा गुड तशरीफ रखा। हाशिम भाई, अस्सलाम वालेकुम। हाशिम भाई, अच्छा हाल है, ठीक है, खुश है? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल तबे ठीक है। हाशिम भाई, जबरदस्त जिंदगी की है, किथे है हाशिम भाई? जिंदगी बेहतरीन है, बेहतरीन है, किथे किथे जिंदगी अज घूमी है?
अरे कुछ अलग अलग जिंदगी लगी होगी आज थोड़ी मजेदार लगी छो मौसम कुछ डिफरेंट गर्मी ता है कोई भी मौसम पर ये नंडी नंडी शयूं जे के आहे न तह जे मूड के करो चेंज कर छन न मा कदी कदी यो सोचे नी त अगर तहां को कम कर निकरो पया जे को सो मच परफेक्ट को एकड़ो कम आहे जे को थी रहो आहे डेली थिंदो आहे पर का नंडी शे एड़ी तहां के मिली वने त तहां तहां जो उन कम में भी तहां के मजो इंदो आहे आई वो जिंदगी भी जेका उन कम जे थ्रू गुजरंदी आहे वो भी डाडी मजे वाली गुजरंदी आहे सो जिंदगी इन मजे मजे वाली आहे एंड आई एम श्योर तो थोड़ी देर में जिंदगी अन्य अधिक मजे में थींदी जरे हाशिम भाई कुछ प्ले करना ना हाशिम भाई बिल्कुल उन का पेरी वनन चाहे थी मां अपने मेहमान दी तरफ ऐसे के जेके मेहमान तशरीफ रखन था स्टार्ट में था करन चाहिंदम आज थोड़ो सो असा उन टॉपिक ते गलाइंदा सी जिंदगी जे जेको टॉपिक असा जे हर जगह ते किथे ना किथे इंप्लीमेंट जरूर थींदो आहे एडवोकेसी एक अड़ी फील्ड है जेका कदें न कदें जिंदगी में तहां से कनेक्ट जरूर थींदी आहे एक एडवोकेट से सगत तशरीफ फरमा हैं जेके पाण कराची बार एसोसिएशन से भी जिनको तालुक है गडोगड जी ट्रेनिंग्स में भी जनाब जी महारत है जिनके बारे में डिटेल इंशाल्लाह सा प्रोग्राम में शामिल करना है सगत तशरीफ रखन था अरुण प्रसाद जी जी अरुण प्रसाद सही प्रोनाउंस करवा बिल्कुल ठीक है जी कामयाब थी वैसे ऐसा रट्टू है उसी पर कहते चंदन ने तो रट्टू के से नहीं था इंसान समझे सोच साले तो अधिक सही होता की है वो खैर चाय ठीक बिल्कुल ता मदाया तो ठीक है ताजी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक ता मदाया जिंदगी के अरुण साहब अल्लाह सा जो करम जिंदगी तमाम बेहतरीन आ पर वो जिंदगी मां समझा तो ये इन्हीं लम्हे में जे लम्हे में पान मौजूद हूं इन्हीं लम्हे में जिंदगी आ ता गाल कई बारिश जी नो डाउट असा के जेके लम्हा आला से अता कन था हर लम्हे के एंजॉय करन खपे पर एक्चुअली जिंदगी उन प्रेजेंट मोमेंट में आप भले उनमें तेज उस छो ना हो जे असा के जेको आ ना पेंजे पीसफुल हैप्पीनेस आ पेंजे पान के ब्लेस समझ दे वो लम्हो गुजारनो आ मां तो चवंदा सा टूथब्रश भी करू ना तो टूथब्रश में गुम थी वजाऊ उनके एंजॉय के वाह जिंदगी तो उन मौजूद लम्हे में आना जी हाने पान गडाऊ मां समझा तो जेकी बारिश मां रस्ते में डठी जेको मौसम डठो वो उन माल हो लेकिन इन माल मुझे जिंदगी इन लम्हे में आ तासा गड्डा पान जे टीम में बैठा हूं तो मैं अगर इन्हीं लम्हे में मौजूद हो जाए तो मैं समझा तो शायद मैं वधिक खुशी सा ये लम्हा गुजारे सका गुजारे सका तो बिल्कुल बिल्कुल अच्छा ये डाडी खूबसूरत गाल डाडी प्यारी गाल तो वाकई में जिथे ता आयो ता के ओ लम्हो जीण खपे यो आर्ट ता के अची वियो ना तो का टेंशन जिंदगी जी तहां जे उन ब्लेसिंग खा उन मोमेंट का तहां के परे थी करे सके अच्छा अरुण साहब वो नालो इन वर्ड जो मतलब छ अरुण जो मतलब छ अरुण जी मीनिंग आ संस्कृत में सिज सूरज माना रोशनी देण रोशनी देण ये डाडी जबर डाडी डीप मीनिंग आ है आई अज जो सुज थोड़ो सो जेको है वो बादलन में घूमो ते करे से अरुण साहब के घुरायो ता कि वो रोशनी से के इन तरफ का मिले अच्छा जी इन से गदो गद हुआ भी जाना है ता के कुछ सिखारे तो इल्म जी रोशनी आए सो आज आई एम श्योर तो खोर सारी वडी शे हुंदी जेके अज ता प्रोग्राम में एडी रखतो जेके माहन के जरूर कान का सिखिया दे विंदी ना ना जरूर अच्छा जी इन से गदो गद एक ब्या मेहमान है जिन जी तरफ मा वनन चाहया थी आई हन वक सा गद जेके पर्सनालिटी तशरीफ फरमाए अजो के स्पेसिफिकली असाई जेका यूथ है उन्हें कम मू जनाब अं यार रिसेंटली मां डिठो तो को मुझे ख्याल में को नंबर जो को फिगर है वो 7 लख मू इन वक्त अध जुल अध उन में ईयर में 2024 में 7 लख मू जो उ पाकिस्तान छे भी डिफरेंट जगहों पर वियान कुछ जॉब के सिलसिले में कुछ एजुकेशन सिलसिले में पाकिस्तान का बाहर वियान सो जी असा सोचो छो ना तहां जी मुश्किल आसान क्यों तुम फला 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 जगहों पर वनो छो ना अज असो प्रोग्राम ऐसी तुम डिसाइड करो तो तक करो है शूं आज जी उन 7 लख मे तो बाहर मोकलो है पर अज भी तुम उतें ही आयो तुम सोचे रहा हो तो यार वन खे न वन खे करें एक इमिग्रेशन कंसल्टेंसी फर्म है जिनका पा सीओ है ढो जबरदस्त नमू उन्हें जो है असने मान के गाइड भी करे रहा है नहीं खोड़ सारा अड़ा नाला जी इन थ्रू इन 7 लख नंबर में खोड़ सारा नाला जी इन थ्रू अज माशाल्लाह सुठी जॉब भी करे रहा है या सुठी एजुकेशन हासिल कर रहा है अकबर अली साहब तशरीफ फरमा है अस्सलाम वालेकुम किए हो खैरियत से हो खुश हो तबीयत ठीक है अकबर साहब जिंदगी किए अकबर साहब तमाम बेहतरीन खूबसूरत माशाल्लाह माशाल्लाह पर एकड़े जेके ड्रीम्स हुंदा इंसान जा लाइक पैसो आए तो जिंदगी आए ठीक है तक हर लम्हो तमाम सुठो गुजरी सके तो उन मुझे यो हों भाई तंजा प्लैनिंग्स ड्रीम्स सुठा रखो एड़ी मंजिल से पहुंचो तो हर लम्हो खूबसूरत है हर लम्हो खूबसूरत है भाई हि तो ढी डीप एक मुझे ख्याल में एक डीप कॉन्वर्सेशन है तो पैसो होजन जिंदगी है या पैसो न होजन जिंदगी है या वाकई एक बट अजो को जो माहौल असें नजर अचे तो मांग की परेशानी जी नजर अचन थी मुख्य लगे तो अज
इो चवण गलत न हों तो जिंदगी जो ठीक है सब कुछ पैसो न हों पर जिंदगी जो एक वो मकसद पैसो थी सके तो जो थी रो है मानों के लिए वाकई में अजो के दौर में अगर तहे सुखो रहो है चलो खुशी तो ना वन पर सुखो रहो है त मनी इज इम्पोर्टेंट मुख्य लगे तो अजो को दौर अड़ो है ये ही है मनी जो ना वह जिंदगी जम सारो जरूरत पूरी कर सके थी पर खुशी पैसे में ना है हाँ। पैसो जाम सारो कमायो इन गाल के फेवर कदम तक जाम सारा पैसा कमाने खपन अल्लाह साई तक मोकलो है दुनिया जी अल्लाह साई रहीम आ करीम आ राजिक आ उनका घुरो मेहनत कियो जाम सारो पैसो कमाओ जो वणे कमाओ लेकिन खुशी पैसे में ना छो अज जाम सारा जो मानू दिसो था कामयाब मानू इमरान खान की गाल वठूँ ठीक है तो अज जेल में नी नवाज शरीफ वट पैसो आज दिसो खुश आन जरदारी साहब वट पैसो खुश आन ये जाम सारा तुम अड़ा मिसाल वो जो मानू पैसो आ पर खुशी ना है खुशी एक्चुअली जो तेजे इनर सोल से मतलब पा सा कनेक्टेड आयो ना तो जिंदगी के कड़े भी हिस्से में आयो तक खुश रही सोता छो जो असा जैमाल खुशियन के कें भी शे से पैसे से मानू से या कें भी आउटर सोर्स से जोड़ू था ना तो समझा तो एक्चुअली अस कैद थी था वो छो जो हाँ आउटर सोर्स सपोज कि मुझी खुशी तँ से आँ मर्जी से मुख्य ट्रीट किया मुझी खुशी अगर मौसम से है मौसम अज सुठो ना है तो किए खुश हाँ मुझी खुशी अज अगर जो पैसा कमायण में आ 5 लाख कमायण में आ अज अगर मैं पैसा 5 लाख नो कमाए सकता तो किए खुश हाँ तुम्हें जो दुनिया में वे तय पैसे की तीन स्पेशली गाल कई पा पैसन से अचू पाया जाम सारे मानों के पैसन लाइन नेगेटिव कॉन्सेप्ट्स नी तो जो मूँ पैसा कमायण चाहे तो ये ग्रीडी आ ये ना है या मूँ चवन जो पैसों घो कमाए तो ये गलत सोर्स से कमाए तो ये भी ना तो दुनिया जहाँ 100 टॉप लिस्टेड मूँ खो अमीर तरीन उन सभी मानून मेहनत कर कमाओ अस मेहनत कर कमाए सूँ था अस कें भी गलत सोर्स की तरफ न वजन खपे अस सोचू पैसो गलत तरीके से आज असा पॉजिटिवली पैसो कमाए सूँ था पर खुशी पैं पान से ही जुड़ने में आ हाँ यह वाकई सही गाल खुशी वाकई में अस मू डा एक्चुअली एग्जाम्पल्स असट जे चवण के ला त सब कुछ है उन्होंने पर वाकई या उन्हों रिश्ता उन्होंने परे हों या कुछ न कुछ अड़ो जरूर नजर इन बट मुख्य लगे तो आरन साहब तो वरी भी जैसे तुम अजो के मुआशरे से नजर था वो पैसो शायद खुशी न हो पर सुख है अजो के मुआशरे की गाल क्या थी वो सुख सा के पैसे में नजर अचे तो थे तो ना समझो ता सा गाड़ी हुजे हां ठीक है अजे मोट गाड़ी आ मां पहिरे जने नई नई वकालत शुरू कई मां घरवान के चवंदम मुखे पान के सेल्फ मेड बणजणो आ हां तो मां बस में इंदम उनका पो मां वरी बाइक वरती बाइक आ पो नंडी गाड़ी अजे अल्लाह जे करम से सुठी गाड़ी आ लेकिन हाणे वरी मुजो टारगेट आ एकडी वडी नई गाड़ी पर जेसी नई गाड़ी मां वठा अगर मां खुश रहण विसारे छड्या हां ठीक है तो इयो के वठा खुश रहणो आ मुखे पैसा मुखे भी जाम सारा कमाणा ठीक है हाँ। पर छा मां खुश रहण विसारे छड्या मां समझा तो पैसा कमायण या ता काशे अचीव कयो केंके शादी करनी आ केंके डिग्री वठनी आ हाणे मुजो टारगेट आ मां वकील एडवोकेट हाई कोर्ट आ मुखे सुप्रीम कोर्ट जो वकील थेणो आ छा मां पेंजी खुशियों तेस तई इन जर्नी में पोस्टपोन क्या सपोज के मुजी डेस्टिनेशन आ मुखे घर का धरती टीवी पहुंचणो हो मुजी डेस्टिनेशन अज जी धरती टीवी हुई लेकिन लम्हाए मौजूद में जो मां सफर इत तई कयो अगर मां में पेंजो पाण सा सोल कनेक्टेड हो जा मां मुआशरे जी हर शे के जे में बारिश हुई बूंदू हुई खूबसूरती हुई गुल हुआ तो मां छो ना उनन के एंजॉय किया मुझी खुशी सिर्फ इत पहुंचण में ना हां मैं इत आया मां डाडो खुश हां सही मां आज वरी इत खुश हां लेकिन जो जर्नी हुई ना उनमें हैप्पीनेस जरूर होना खपे ताके खुश रहन निवसान खपे ता बिल्कुल ताके जेको अचीव करनो आ जेको अचीव करन चाहो था तंदे जेके ख्वाब हो पूरा लेकिन जर्नी में हैप्पीनेस हो जे पान प्लान ठाई ता समझू ता मरी विंदा से हाने इता बाय ट्रेन वणो ता सपोज 21 कलाक जो सफर आ तो छा असा 21 कलाक असा के किए गुजारन खपन हां ये सवाल आ 21 कलाक किए गुजारन खपन या पैसो कमाणो आ सपोज के पान जे टारगेट ठाई ता तो 2 सालन को असा वट 5 करोड़ वण खपन तो चलो 2 साल अल्लाह साई असा ींद बिल्कुल कमाए वे लेकिन छा ये 2 साल अस गुजारण खपन वो 5 करोड़ मिलने का गुजारण खपन खुश रहो खे या जी असि जर्नी आ उन जर्नी में खुश बेसिकली इज अ फीलिंग मुख्य लगे तो यह तो एक फीलिंग है जो इंसान के अंदर पैदा थे थी वाकई में कें आउटर सोर्स से नी पैदा थे यह वाकई सही गाल बिकॉज आउटर सोर्स जितनी शूँ हों टेम्परेरी होंदियों जहाँ परमानेंट शे दैट इज इन साइड यू यह वाकई हकीकत गाल है पर असा एक्चुअली जे जे उन पेज ते सा व्यासी पे असा उन सुख जी गाल पे कई अकबर साहब असल में ता जतरा पॉजिटिव हुंदायो जतरा ता पॉजिटिव आयो ता ओतरा खुश रहंदायो ता जी इनकम ता जो पैसो जो जतरो हलाल हुंदो ओतरो ता खुश रहंदो बिल्कुल ठीक है
पर तां चो ता मां खुश रहण चाहियां तो पैसे का बगैर रहण चाहियां तो पर ता कनेक्टिंग मानू ता अगर खुश न रही सके मां पैसे जी बगैर गाल कई ना 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 बस कि मैं साइड ते नहीं बने असा थोड़ा सो उन सुख की तरफ अचन चाहियो ता जेको पानी बिजली गैस में आए इन सिंपल वर्ड्स जी गाल बिल्कुल सही हुई मुझे दोस्त दाड़ी सुठी गाल कई मां त दिसो मां गाल शुरू ता कई मां पॉजिटिव आ पैसो कमाण खपे मां हर उन शख्स के अप्रिशिएट कंदा जो मेहनत करना चाहे तो पैसों कुछ जो दिसो ना मां आज अगर घना पैसा कमाया तो मां इन यूनिवर्स दी घणी मदद करे सका तो बिल्कुल बिल्कुल ठीक है आज मुझे सराउंडिंग वगैरह मां चार मानु पांच सा रिकमेंडेड किया होता लेकिन सुभाने मुझे अर्निंग सोर्स वधी कुंदी तो मां इन मुल्क जी दुनिया में माना घणन मानु जी घणी मदद करे सका तो मुखे पैसो इनी ला भी कमाणो आ बाकी खुशी जी की गाला मां बिनी के डिस्टेच इनी करे पियो क्या छु जसा ता जी गाल कई युथ जे प्रमोशन जी असा के जाम मानु अज बुधन ता टीवी प्रोग्राम तवसुल सा तो मानू पेंजु जे के खुशियों आन वो के ना के आउटर सोर्स सा जोड़ीना मां सिर्फ आ सिर्फ ते यो समझाण चाहो त असा के पेंजी खुशी के पेंजो पाण तई रखण खपे पैसो कमाण खपे आई रियली अप्रिशिएट कमाण खपे बिल्कुल अच्छा जे कमाण जी गाल थी तो थोड़ो सो मां कमाई जी तरफ अचण भी चाहिया थी आई वो जो एक नंबर सा नो बाहर वनी रहयो है थोड़ो सो उने जे बारे में बुधायो है पेरी तम के बुधायो रो तेजी से नंबर वधी की रहयो आ एक्चुअली जे के पाकिस्तान जा इकोनॉमिकल कंडीशंस इन या पाकिस्तान में जो हिंसर अस यूथ या जो भी बेसिक नीड्स अस पूरी नी थन इतने अस एजुकेशन फ्री ना ठीक है एजुकेशन तमाम घनी महंगी है पाकिस्तान बेसिक एजुकेशन तुम अगर तुम गवर्नमेंट स्कूल्स जो हाल ऐसो तो कुछ मतलब अगर फ्री एजुकेशन स्कूल्स है गवर्नमेंट स्कूल्स में वह एजुकेशन न हो बराबर प्राइवेट स्कूल्स प्राइवेट माफिया तमाम घनी वी वही ठीक है सुठे में लाइक अगर पैर ये हों पह हज़ार फीस वा स्कूल सुठा हों पर हाँ वो गलिन वा स्कूल पह हज़ार फीस आई थिंक चार्ज कन कंपेयर कर इनकम से तो मानून की इनकम एतरी ना ठीक है उन मान जहाँ ड्रीम्स कंखे भेन जहाँ रिश्ता करना कंखे शादी मतलब हर शे रुकी पी आकर मानून जहाँ ख्वाब इतने पूरा न पा थन दिसन में न पा इन कर मोस्टली जो जै हिसाब से तेजी से बाहर मूँ वन पाया इन पोन बिन टन साल में तमाम घो मतलब क्राउड असट अचे पो जो असड़ी ऑफिस में चार एम्प्लॉज हूँ हाँ पंद्रह पंद्रह एम्प्लॉज पर वह भी बिजी ठीक है जो बाहर फैसिलिटीज तवन यूके की गाल यूएसए की गाल कें भी कंट्री की गाल क्यों तो यूके में को भी मानू उत पहुंचे तो फैमिली से चाहे वह कड़ी भी कैटेगरी में अचो एजुकेशन फ्री है इवन तोकल स्कूल उनमें बार जो ब्रेकफास्ट लंच सब कुछ फ्री आ जी ठीक है वो बार का ना पुछंदा तां जो पेरेंट्स केड़ी कैटेगरी ते पोतान बस अचो तां एजुकेशन वठो मेडिकल फ्री आ एजुकेशन फ्री आ उनखा पो उनन जो जेके एकड़ो मजदूर लेबर उधर केर भी आए होते तो वो भी एतरो अर्न करे तो एकड़ो मानु पांजो घर पूरो हलाय सके तो लेबर जो कोई ता माने तो नॉर्मली 3000 पाउंड कमाए तो वो भी तकरीबन 1500 पाउंड में अगर घर तो मिले तो 1000 पाउंड में बाकी मिसलेनियस उन खर्चो बाकी लाइक मेडिकल एंड एजुकेशन फ्री ठीक है उनका अगर वो 5 साल स्टे उत करे तो उनके नेशनलिटी तरफ वे तो नेशनलिटी तरफ वे तो नॉर्मली बाकी तो फैसिलिटीज उनके मिलन थी इवन घर वगैरह मिली तो वे गवर्नमेंट की तरफा मतलब 10% तुम होंगे 90% गवर्नमेंट तेजी तो तमाम घनी फैसिलिटीज इन बाहर उन सभी फैसिलिटीज के ऐसी कर तकरीबन पाकिस्तान में इवन खाली एलिट क्लास जब मानू वधिक वनन पिया अच्छा जी जेके स्टेबल मानू वो भी मूव पिया थन इतने इन्वेस्टमेंट न पिया कन वो इन्वेस्टमेंट तेजी से बाहर थी रही है ये समझा तो गरीब मानू वो अफोर्ड न तो कर सके बाहर वो न तो वही सके ठीक है छो पर उते भी एक्चुअली मसलन में तो ही ना सानो गरीब तब कोई है गरीब तब कोई फासे तो अगेन जी ठीक है फ्री एजुकेशन आहे काफी कंट्रीज में पर जिते फ्री एजुकेशन स्टार्ट थे थी उते रश हाँ उन 5000 वीजा जाना तो लख बार अप्लाई कन अगेन 80% रिजेक्शन आ ठीक है फ्री एजुकेशन आ है लाइक यूरोपियन कंट्रीज में काफ़ी फ्री एजुकेशन आ स्कॉलरशिप से तमाम घणो मतलब बार वने तो पर यो अगेन रश तमाम घणी आ सही अच्छा जे लाइफस्टाइल जी तां गाल करे रहा हो तो उते लाइफस्टाइल सुठो आ है उते शयूं असां वटि आहिनि डिफरेंट शयूं फ्री ऑफ कॉस्ट आहिनि उते एक बियो भी फैक्टर आ है जेको असां उते मतलब ढी शार्प आए से ऐसूँ तो अस नज़र अचे तो अदरवाइज अस कॉमनली उनके निग्लेक्ट कहना अस यो सोचिंदा तो शायद हाँ उतने लाइफ स्टाइल सुठे हुजन जो एक बो रीज़न भी है
जेको कानून असा वट नजर अचे तो अस कानून जो मुहाफिज भी तशरीफ फरमा है पर जेको कानून असा वट हिते नजर अचे तो वो ही कानून जडे असा कदम पाकिस्तान की जमीन का बाहर था असा रखूं असा बिल्कुल मटजी था वनो असा उन ही कानून जा असा एक मुहाफिज वांगुर असा उनके फॉलो क्यों था असा बिल्स टाइम ते दियूं था असा बिजली जी का चोरी नथा कयूं असा टैक्सेस टाइम ते दियूं था तो अगर ये सब शयूं अगर असा पांजे मुल्क में ही करे छड्यूं तो छो न असाजे मुल्क में भी ये सब शयूं हुजन असा भी उन ही तरीके सा जे तरीके सा बाहर सब कुछ मिली रहो आ है मुल्क के भी उही सब कुछ मिले यो फैक्टर नजर छे तो ताके न में मखे तो अचना 10 20 साल में क्वेश्चन नजर कोन दे छे जेके ये शय इंप्लीमेंट करण वाला मानू आइन वो तेजी सा पाने बार बाहर स्टेबल कन पे ठीक है यूएसए कनाडा चो मां इन फील्ड में आया तो मां यो दिसा पियो चाहे पॉलिटिकली या तो उन वो तेजी से मानू पांजा बार पांजे बार मोकलन पिया उनन वट ड्यूअल नेशनलिटीज हैं तो वो की है ते पाकिस्तान ते कर वो इन्वेस्टमेंट सारी उनन जी बाहर आई थिंक आई एम सॉरी मुके चवन खपे पर यो आ न हकीकत मां हमेशा इन गाल ते बिलीव करनी है दिसो असा एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहूं था उन जो मत डेमोक्रेसी जो मतलब छ अगर असा पांजी गाल जो इजहार ही न कर सकू तो पोन जो मतलब छ ये वाकई सच गाल है या त डाडी स्टी पॉइंट ता रेज कई है त असा जा वे मानू जिनके पाकिस्तान के सुधारणो है उन जा बार जिनके स्कूल जो सिस्टम सुधारणो है उन जा उनन जा बार बाहरन स्कूलन में पढना है बाहरन यूनिवर्सिटीज में पढना है मजेदी गाल उनके स्कॉलरशिप भी मिली वंदी है खबर न है जो आम बार असो जो बल्ब के हेठा पढ़े तो एडो मुश्किल से डॉक्टर थे तो स्कॉलरशिप उनके न मिली है पर उनके जरूर मिली वी है ये फैक्ट्स हैं जिंदगी जा खैर जी पर चाहे अस चाहूँ या न चाहूँ चाहे अस कें भी ब्लेम क्यों या ब्लेम न क्यों पर हकीकत यह है तो पाकिस्तान जो मानू बाहर वही रो है वक्त यानी अफसोस की गाल है पर वक्त चाहिंदे न चाहिंदे 99% असांजा माण्हू शायद 100% भी हुजन पर 1% शायद असांजे इमोशनल एक असांजो जेको बैगेज असां गॾु हूंदो आहे उनजे करे शायद असां स्टेप बैक करे छॾंदा आहियूं पर 99% माण्हू असांजो अॼु इहो ई चाहे थो त असां पाकिस्तान में सेटल न थियो असां किथे ॿाहिरि वञी सेटल थियूं अच्छा ॿाहिरि वञी सेटल थियण जो असां सोचे त छॾींदा आहियूं पर उन में थोड़ो सो मां इनके कानून की नज़र से भी ॾिसण चाहियां थी काफ़ी सारा अड़ा मसला भी असांखे फेस करना पवंदा आहिनि जेके हिते त असां यू नो सलाम दुआ करे हथ मिलाए लिखियल वारा हथ मिलाए हथ में कुछ भी रखियल हुए पर शेक हैंड करे असां वे मसला खत्म करे छॾंदा आहियूं पर जॾहिं ॿाहिरि अड़ा मसला थियनि था पोइ तव्हां वटि उहे केसिस पहुचनि था उहे केतिरी रेशो में केसिस आहिनि जेके असांखे मिलनि था माना ॿाहिरि कहिड़े तरह जा केसिस तव्हां क्वेश्चन खे कंहिं को बि ॿाहिरि ख़ुदा न ख़ासिता को तव्हां रूल तोड़े था छॾियो या अॼुकल्ह सां वॾा वॾा केसिस ईंदा आहिनि न इहे पकड़ा गया उहो पकड़ा गया अहिड़ो को केस त पोइ छा असांजो पाकिस्तानी लॉयर इन्वॉल्वमेंट करे थो उन्हनि खे वापसि पंहिंजी कंट्री में घुराइण जे लाइ न ॾिसो न सपोज़ की मां सुभाणे यू के वञा थो ठीकु आहे यू के वञी मां कोई क्राइम कयां थो कोई चोरी करे थो माण्हू या उते डकैती करे थो या व्हाट्सएप उते ड्राइविंग रूल्स जी वायोलेशन करे थो त उते जेको माण्हू क्राइम कंदो यूके यूएसए तव्हां जिथे आयो जंहिं ज्यूरिडिक्शन में त उते ई अथॉरिटी आहे तव्हांखे का सज़ा ॾियण जी ठीकु आहे न पाकिस्तानी कोर्टुनि वटि उहो प्रोसीडिंग नथी हली सघे पई हा उहो माण्हू जंहिं महिल ते सज़ा पूरी करे थो पोइ लॉ आहे त उनखे पंहिंजे मुल्क डिपोर्ट करे छॾिजे वापसि मोकिले छॾिजे उहो माण्हू जंहिं महिल हिते अचे थो ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे उहो तव्हां सज़ा कटे अचे थो पोइ इन करे वरी डबल सज़ाउनि जो को कॉन्सेप्ट कोन्हे जो ॿाहिरि को क्राइम करे त उनखे पाकिस्तान में सज़ा मिले जीअं पाण कराची जी बि ॻाल्हि कयूं त कराची में 109 थाणा आहिनि अॼु पाण जंहिं ज्यूरिडिक्शन में वेठा आहियूं जेको क्राइम जंहिं हदूद जे अंदरि थींदो आहे उन थाणे ते उहो मैटर रिपोर्ट थींदो आहे ऐं उन थाणे सां कंसर्न हिकिड़ी कोर्ट हूंदी आहे जिथे उनजो ट्रायल हलंदो आहे पोइ इन करे अगरि कोई बि क्राइम मुल्क खां ॿाहिरि जिथे थिए थो जंहिं टोरी टोरी ज्यूरिडिक्शन में थिए थो त उनजा फ़ैसिला उतां जी पुलिस इन्वेस्टिगेशन कंदी ऐं उतां जी कोर्टूं ई फ़ैसिला ॾींदियूं उहो पाकिस्तान में नथो थी सघे पाकिस्तान में नथो थी सघे सही ऐं उन्हनि जो ऑब्वियसली शायद मां ग़लति हुजे शायदि अहिड़ो थींदो बि हुजे असांजी नज़र में न हुजे असां ॾाढा वोकल बि घणा आहियूं न असां चाहे प्लस पॉइंट हुजे या नेगेटिव पॉइंट हुजे पर असां ॾाढा वोकल आहियूं उन बारे में थी सघे थो उते बि को शेखनि वारो सिलसिलो हलंदो हुजे असांखे न ख़बर हुजे बट एक्चुअली हिते इहा ॻाल्हि करण लाइ ज़रूरी आहे त असां हिते ॾाढो आराम सां असां स्पेसिफिकली ट्रैफिक रूल्स खे असां फॉलो कोन कंदा आहियूं नंढियुनि नंढियुनि शयुनि खे असां हूअं ई ॾाढो फॉर ग्रांटेड वठी रहिया हूंदा आहियूं पर जॾहिं असां ॿाहिरि वञी अहिड़ी का शइ कयूं था ऐं पोइ असां सोचूं त शायदि यार
फला जो फोन अची वेंदो, फला माण्हू अची वेंदो, चार गाॾियूं उन मोबाइल जे तव्हां प्रोटोकॉल में तव्हां निकिरी वेंदो। सो अहिड़ी का शइ न आहे त जेके माण्हू इन कॉन्सेप्ट सां बि वञी रहिया आहिनि उहे बि ॾाढो मुश्किल में आहिनि। हिकु ॿी शइ जेका ॾाढी कॉमनली ॾिठी वई आहे असां वटि माण्हुनि जो हिकु त पूरो हिकु प्रॉपर प्रोसेस सां वञी रहिया आहिनि, ॿिया कुझु वरी अहिड़ा माण्हू बि आहिनि जेके स्लिप आउट बि थी रहिया आहिनि, वञनि था नॉर्मल वीज़ा ते ऐं उनखां पोइ वापसी जो उन्हनि जो को चांस कोन्हे। इहो छा नंबर आहे, इन जे बारे में कानून जी तरफ़ त असां ईंदासीं, बट यस इन जे बारे में तव्हां छा चवंदो, केतिरियूं मुश्किलातूं पोइ उन्हनि खे उते फेस करणु। असां हिन में काफ़ी स्टूडेंट्स स्पेशली स्टूडेंट्स या विज़िटर USA में स्पेशली जॾहिं माण्हू को बि वञे थो, चाहे स्टूडेंट आहे चाहे विज़िटर आहे, त उहो वापसि नथो अचे। उते वरी केनेडा या USA में अपॉर्चुनिटीज़ आहिनि त उहे ग्रीन कार्ड जी तरफ़ या नेशनलिटी तरफ़ वञी सघनि था। कुझु प्रोसीजर हूंदो आहे, उते कुझु सॉलिसिटर्स हूंदा आहिनि, उहे हेल्प आउट करे वठंदा आहिनि, त उते इशू न आहे। उनखां अलावा हितां मोस्टली जेके स्टूडेंट्स बि वञनि था त हिकिड़ो सिर्फ़ु पाथवे यूज़ करे उते पहुचण लाइ, त लीगली जेके उते पहुचनि था, ऐं कुझु उनमें इहो आहे त 60-70% स्टूडेंट्स जेके आहिनि उहे एजुकेशन कंटिन्यू कनि था। उहे बि इन करे जो अगरि जेन्युइन स्टूडेंट ॾिसूं त 10-20% स्टूडेंट्स हूंदा आहिनि जेन्युइन, अगरि 50-60% ॻाल्हि हिन कयूं त उहे कंप्लीट कनि था एजुकेशन 70% इवन, त इन करे जो हुननि खे नेशनलिटी तरफ़ वञिणो आहे। बाक़ी जेके बेवकूफ़ आहिनि कुझु स्टूडेंट्स जेके उहे एजुकेशन छॾनि था, स्लिप थी था वञनि, उहो इलीगल थी था वञनि। कुझु स्टूडेंट्स खे जेको आहे उन्हनि खे उते अज़ाइलम अप्लाई कनि था, अज़ाइलम इज़ नॉट ईज़ी, बट इहो आहे त उन्हनि खे काफ़ी हिकिड़े प्रोसीजर जे गो थ्रू थियणो थींदो आहे। उनखां अलावा जेकी तव्हां पाकिस्तान मां जेके अफोर्ड नथा करे सघनि, हिकिड़ा त स्टूडेंट विया उते इलीगल थिया, उन्हनि खे मिली थी वञनि बाद में सिटीज़नशिप मिली थी वञे कंहिं न कंहिं तरीक़े सां। बाक़ी तव्हां जेके डंकी हणी जेके अॼुकल्ह त काफ़ी तव्हां ॿुधो हूंदो लखनि जी तइदाद में, हिते मीडिया ते त काफ़ी नंबर ज़ाहिर कोन थींदो आहे, ठीकु आहे, डेली बेसिस ते हज़ारे माण्हू असांखे अप्रोच कनि था त हीअ छा प्रोसीजर आहे। डंकी जेको आहे को बि कंसल्टेंट डील न कंदो आहे, को बि एजुकेशन एडवाइज़र इन्हनि शयुनि खे न ॾिसंदो आहे। इहे एजेंट हूंदा आहिनि ॿाहिरां जेके हिननि खे प्रोसीजर ॿुधाईंदा आहिनि हिननि खे जेको आहे समुंड्रे थ्रू, पर 99% माण्हू मरी वेंदा आहिनि अॼुकल्ह, उन्हनि खे रस्ते में मारियो वेंदो आहे, बुखनि में। हा, इवन मां हिकिड़े छोकिरो आयो मूं वटि, हुनजो मां डंकी हई हुई तुर्की खां यूरोप लाइ, वापसि थी वियो उहो, पर उहो चए पियो त असां उते रस्ते में जेको आहे बुखनि में कुझु न पियो मिले, ऐं कुझु अहिड़ा ॻोठ आया उतां असां पिनूं पिया, पिनी कुझु असांखे मानी मिले। हाणे उते ख़बर आहे तव्हां जॾहिं बि आउट ऑफ कंट्री वेंदा आहियो त तव्हांखे फूड तव्हांखे उहो सूट न कंदो आहे, हर कंहिंजो पंहिंजो आहे, त उन हिसाब सां पोइ रस्ते में मोटी आया उहे, कंहिं पहुची न सघिया। इट्स नॉट ईज़ी। हा, असां एक्चुअली असां वटि इहो बि त सिस्टम आहे न त असां कुछ मूवी ॾिसी ऐं पोइ पाण खे हीरो सम्झंदा आहियूं करे छॾंदासीं, त मूंखे लॻे थो इहो उन्हनि जो सॼो असांजे मुल्क जुदो आहे, असांजे हुकुमराननि जुदो आहे, हुननि खे बेसिक नीड्स हुननि खे न ॾिनियूं वयूं, हू सिर्फ़ु मतिलबु कमाइण जे लाइ, जॉब जे लाइ त थोरो असांजो गुज़ारो थी सघे, सिर्फ़ु उन्हनि जा फैमिलीज़ पोयां उन्हनि जा उहो ड्रीम्स पूरा नथा थियनि, ड्रीम्स चाहिनि उन्हनि जा नंढिड़ो घर खपे, उन्हनि जी भेणनि भाइरनि जूं शादियूं थी सघनि, मैक्ज़िमम इहे ड्रीम्स आहिनि। जेके तव्हां ॿाहिरि वञो त तव्हांजी एजुकेशन तव्हांजे लाइक अलाउंसिस एतिरा आहिनि, अगरि तव्हां अबव 60 आहे 70 आयो त तव्हांखे अलाउंसिस स्टार्ट था थी वञनि, तव्हां अंडर 14 आहियो त तव्हांजा अलॻि अलाउंसिस आहिनि, अगरि हिकिड़ो पेरेंट जेको आहे उहो अफोर्ड नथो करे सघे एजुकेशन न उनजी नशो निमा नथो करे सघे त उनजा अलॻि अलाउंसिस आहिनि, अप टू $500 उहो अलॻि मंथली उन्हनि खे ॾिनो थो वञे। देट मीन्स फैसिलिटीज़ त आहिनि, पर हिकिड़ो ॿियो असां वटि हिकु फैक्टर आहे त असां वटि जीअं तव्हां चयो त नंढो घर खपे या सुठी एजुकेशन खपे, असांजो जेको माण्हू हिन वक़्तु उहा शइ अवेल करे थो सघे न उहो वरी अॻियां शइ थो ॾिसे, त हाणे अगरि नंढो घरु आहे त हाणे वॾो घरु असां वटि छो न आहे, असांखे वॾो घरु खपे, नंढी गाॾी आहे त वॾी गाॾी छो न आहे, इहो एक्चुअली असां वटि फैक्टर आहे त असां वटि जेका शइ हूंदी आहे असां उनखे छॾे असां वटि जेका शइ न हूंदी आहे जंहिं ते असां पहुची न सघंदा आहियूं, बेसिकली असांजो कमु उन ते थी रहियो हूंदो आहे। थोरो सो तव्हांजी तरफ़ अचणु चाहींदमि ऐं थोरो सो इन्हनि सभिनीनि शयुनि जे बारे में त वक़्तनि फ़वक़्तनि असां ॻाल्हाईंदा ई रहंदासीं, पर छो त कराची में रहंदे काफ़ी सारियूं अहिड़ा फैक्टर्स आहिनि जेके हक़ीक़त आहिनि, उनजे बारे में बि थोरो सो मां ॻाल्हाइणु चाहियां थी, पर ब्रेक जो वक़्तु अची वियो आहे, छो नज़रीन ब्रेक जी तरफ़ हलूं था वापसि अची पोइ मज़ीद ॻाल्हियूं पंहिंजे प्रोग्राम में शामिलु कंदासीं। आशिम भाई जो आवाज़ बि शामिलु करिणो आहे, किथे असां मसलनि में ज़िंदगी जे विसरी वियासीं, उहा ख़ूबसूरती ज़रूरु प्रोग्राम में शामिलु कंदासीं, पर तव्हां सां मुलाक़ात कयूं था हिन ब्रेक खां पोइ।
जी वेलकम बैक। अच्छा जी, कुछ गालियों एड़ी होंदी वाहन जेके तांजे ज़हनन में सवाल हुंदा है ने जिनके तहां क्लियर नथा पया करे सकना हो, कुछ एड़ी शयूं जेके तां चाहिंदा आयो पर चाहिंदे न चाहिंदे तां उनका खबर न अचो घबराए रहा हुंदा हो। अज कुछ एड़ी शयूं जे बारे में असा पने प्रोग्राम रखियो आहे जे में असांजे उहे कानून जा जेके क्वेश्चन्स आहिनि उहे भी इन्वॉल्व आहिनि, गॾो गॾु इमिग्रेशन जा क्वेश्चन्स भी इन्वॉल्व आहिनि। शुरूआत हितां करणु चाहियां थी सभिनी खां पहिरीं, त क्वेश्चन्स जी तरफ़ त वेंदासीं पहिरीं, उन ट्रेनिंग जे बारे में थोरो सो असांजे नाज़रीन खे बि ॿुधायो, छो त असां जॾहिं बि स्पेसिफिकली असां जॾहिं बि कंहिं वुकला जी ॻाल्हि कंदा आहियूं या सिंध पुलिस जी स्पेसिफिकली ॻाल्हि कंदा आहियूं त असां वटि पॉज़िटिव खां वधीक नेगेटिव थॉट्स आहिनि जेकी पई ईंदियूं आहिनि, पर उहे पंहिंजे पाण में केतिरी इम्प्रूवमेंट आणण लाइ केतिरो कुझु करे रहिया हूंदा आहिनि, इहो असांजे नाज़रीन खे ॿुधाइणु ॾाढो ज़रूरी आहे। उन ट्रेनिंग सेशन जे बारे में जेके तव्हां ॾींदा आहियो, थोरो सो उन जे बारे में असांखे ॿुधायो। ॾिसो, नो डाउट माण्हुनि खे पाकिस्तान जे हवाले सां जाम सारा उभाम ज़हन में हूंदा आहिनि। तव्हां कॾहिं बि कंहिंखां पुछो, माण्हू चवंदा आहिनि पाकिस्तान जेको आहे 10 सालनि ताईं 20 सालनि ताईं सुधरी कोन थो सघे। अमूमा असां वटि इहो चयो वेंदो आहे, नो डाउट मां सम्झा थो शयूं टाइम टेकिंग आहिनि, रीज़न बि आहिनि की जेके असांजा लॉ मेकिंग इदारा आहिनि या जेके असांजा सियासतदान आहिनि उहे एक्चुअली पाकिस्तानी न आहिनि। जीअं साईं ॻाल्हि कई त उन्हनि जा पंहिंजा ॿार ॿाहिरि रहनि था, उन्हनि खे पाण खे परवाह कोन्हे, उनखे सिक्योरिटी सेफ्टी सोशल लाइफ जा इशूज़ न आहिनि जेके पाण आम माण्हुनि खे आहिनि। पर पोइ बि घणियूं शयूं बहितरी जी तरफ़ वञी रहियूं आहिनि। जीअं तव्हां सिंध पुलिस जी ॻाल्हि कई, नो डाउट सिंध पुलिस में जाम सारा करप्ट निज़ाम एग्ज़िस्ट करे थो, जंहिंखे असां बिल्कुलु बि माना कंडेम कयूं था, त उहो न हुअणु खपे। लेकिन कुझु इक़दाम कराची पुलिस जा सुठा बि आहिनि, जीअं स्पेशली गुज़िश्ता 2 सालनि खां कराची पुलिस पंहिंजे जेके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स नी उन्हनि ते तमामु घणो कमु पई करे, छो जो अगरि तव्हां कुझु 2-3 यूनिवर्सिटीज़ आउट ऑफ कंट्रीज़ जूं उन्हनि पाकिस्तानी जुडिशल सिस्टम ते ऐं पाकिस्तानी पुलिसिंग्स ते जंहिं महिल हिकिड़ी रिपोर्ट्स ठाहियूं एनालाइज़ कयो त ख़बर इहा पई त पाकिस्तान में तक़रीबा हिकिड़ी रिपोर्ट हुई जंहिंमें ॿुधायो वियो त 95% इक्विटल रेशो आहे ऐं 5% जेको आहे उहो कन्विक्शन रेशो आहे। वरी कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी जो हिकिड़ो मां रिपोर्ट पढ़ी, उन ॿुधायो त पाकिस्तान में जेको आहे न 3% कन्विक्शन रेशो आहे, 97% जेको आहे उहो इक्विटल आहे। वरी हिकिड़ी रिसेंटली रिपोर्ट आई जंहिंमें 1% कन्विक्शन रेशो आहे ऐं 99% जेको आहे उहो इक्विटल्स आहिनि, माना अगरि 100 FIR कटिजनि थियूं त उनमां 99 मुलज़िम जेको आहे उहो बरी था थी वञनि, जंहिंजे करे माण्हुनि जो अॼु हिते ट्रस्ट कोन्हे जुडिशल सिस्टम ते, इवन पुलिसिंग ते। उन जो जेको मेन काज़ आहे न, ॾिसो माण्हू मां पुलिस खे पढ़ाईंदो आहियां, पुलिस चवंदी आहे त कोर्टें बरी करे देती आहिनि, ठीक है, जज जो है वो बरी कर देते हैं। पर माण्हू के बताइंदो इवन जज के नॉट ओवर रूल दी लॉ। ता अगर सुभाने जज जी जगह ते वेयो था त ता पाण केंखे कन्विक्ट करणो आ उनजा एकडा रूल्स नी कानून बधायो वे आ त केडी कंडीशन होजन त जे में सजाऊ थण खपन। पुलिस एडा डेंट कंदी आ इन्वेस्टिगेशन में, क्राइम सीन प्रॉपर विजिट कोन कंदी आ, गवाहन जा बयान वठण, मेमो ठाण, छो जो पुलिस रूल्स में सब शयूं बधायल आहिनि त पुलिस के अगर एकडी इन्वेस्टिगेशन हैंडओवर थे थी त उनजो भी हिकिड़ो लॉ त कंहिं लॉ जे तहत उनखे प्रॉपर प्रोसीजर एडॉप्ट करिणो आहे। बिल्कुलु, पुलिस खे छा हिते एक्चुअली लॉ पढ़ायो कोन थो वञे, इवन पुलिस रूल्स जंहिंजे तहत पुलिस कमु कंदी आहे उनखे उहे कोन था पढ़ाया वञनि, जंहिंजे करे उहे इन्वेस्टिगेशन में तमामु घणा डिफेक्ट कंदा आहिनि ऐं पोइ जंहिं महिल कोर्ट में गवाही ॾियणी ईंदा आहिनि वकील खे त लॉ ख़बर आहे ऐं वकील उनखां उहो लीगल जंहिं महिल क्वेश्चन पुछंदा आहिनि त उन्हनि जो केस ख़राबु थी वेंदो आहे। त ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे जज कीअं सज़ा ॾिए, जज खे किथे न किथे अगरि ज़हन में इहो हुजे बि त हे माण्हू वाक़ई कसूरवार आहे, लेकिन अगरि उनजे ख़िलाफ़ प्रॉपर एविडेंस नथो अचे कोर्ट में त कोर्ट कीअं उनखे पोइ। इन करे कराची पुलिस में अॼुकल्ह ट्रेनिंग जो तमामु सुठो हिकिड़ो माना हले पियो, जंहिंमें मां पाण बि कराची पुलिस खे ट्रेनिंग ॾियां पियो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन ते। लेकिन गॾु गॾु माण्हुनि खे पुलिस जे रवैये में बि जाम शिकायत आहे त पुलिस जो रवैयो सुठो कोन्हे, उहो पाण हिकिड़ा बदमाश आहिनि। त जेको कराची पुलिस ट्रेनिंग स्कूल आहे उते अॼुकल्ह माना मोटिवेशनल लेक्चर्स बि थियनि पिया, उन्हनि जी कम्युनिकेशन स्किल्स ते बि कमु थिए पियो, स्ट्रेस मैनेजमेंट ते बि कमु थिए पियो। त तव्हांजी जेकी पब्लिक ड्यूटी आहे, तव्हां स्ट्रेस में हूंदा आहियो, माण्हू ईंदा आहिनि विड़ी करे तव्हां वटि, त अहिड़ी सिचुएशन्स खे कीअं डील कजे। त मां सम्झा पियो शयूं थोरो टाइम टेकिंग आहिनि पर अलाह कंदो बहितरी जी तरफ़ वञी रहियूं आहिनि। इनशाला इनशाला ॾाढो ज़रूरी आहे, वाक़ई सही ॻाल्हि आहे। कंहिं बि न सिर्फ़ पुलिस में, मूंखे लॻे थो कंहिं बि फील्ड में तव्हांजो बिहेवियर ॾाढो मैटर करे थो। अगरि तव्हांजो बिहेवियर उन हिसाब सां प्रोफेशनल न आहे त वाक़ई में उहा फील्ड पोइ शायदि तव्हांजे लाइ न आहे। इनखे आसान अल्फाज़नि में इहे अगरि खणी हलिजे, हिन तरफ़ थोरो सो ईंदमि। ऐं हिकिड़ी ॻाल्हि त जेका मां पंहिंजे नाज़रीन ताईं पहुचाइणु चाहियां थी, असां UK जी ॻाल्हि कंदा आहियूं, असां USA जी ॻाल्हि कंदा आहियूं, अॼुकल्ह ॾाढो कॉमनली असांजो आम माण्हू
यूए जी तरफ भी वही रो है डिफरेंट अड़ा प्रोजेक्ट्स डिफरेंट अड़ी शन जो यूए ऑफर कर रो है जैंखा मुतासर थी न सिर्फ मू उन तरफ वही रहा बल्कि इतना वेही भी काफ़ी सारो बिजनेस कर रहा थोड़ा सा इन बारे में डिटेल्स है नाजरीन तक पहुँचा अगर अस कंपेयर कहे यूके या अदर कंट्री से यूए के यूए में मूँ जो बिजनेस जिनो है रिलेटेड उतरे अपॉर्चुनिटीज तमाम दुबई में वेही कर ग्लोबली वो बिजनेस के रन कर पे ठीक है इन का पैर टैक्स उतरे इशूज न हुआ दुबई में इनकर मू बिजनेस उतरे खोलिंदा हुआ हाँ। पर हाँ खबर पे पी हाँ वो इम्प्लीमेंट करा तो 10% टैक्स वगैरह स्टार्ट कर 10-19% हाँ उन अलावा जो लेबर तबको आ अगर अस वर्क परमिट्स की गाल क्यों तो लेबर तबको तमाम घो वे पो मेजोरिटी प्रोफेशनल जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एंड अदर उन्हें भी जॉब ऑफर्स तमाम सुठी थन पे पाकिस्तान तो पाकिस्तान में ओर वन पे मूव थन पे सही फर्दर सेटलमेंट ना है दुबई में सेटलमेंट मतलब नेशनलिटी को दिंदा हाँ। 20 साल रहो 30 साल रहो उन हाँ। पर्पज के करे अगर वो दुबई यूएई अगर नेशनलिटी दे या गल्फ कंट्रीज नेशनलिटी देना शुरू कर तो ही सब कंट्रीज खाली थी जी एतरो वो मतलब अगर छो उन वेज रेट सुठो दुबई में सैलरीज वगैरह तमाम सुठी हुई यूके का यूएसए का भी सैलरी सुठी एजुकेटेड मूल अलावा बस इनकी पर्पज के मूँ मूव थन था एजुकेशन तमाम घनी महंगी है बेसिक एजुकेशन तमाम घनी महंगी है यूए में सही अच्छा गोल्डन वीजा जो भी अजकल लाड़ो कॉन्सेप्ट है जो असके नजर अची रो है वो अगेन वो ही बिजनेस जो कम्युनिटीज ऑफर कन पे कुछ सेलिब्रिटीज के ऑफर कन पे ठीक है सही अच्छा तहां जी जो फर्म है थोड़ा सो मैं बारे में नाजरीन तीन गालू पहुँचाना चाहिए तहां जी फर्म छे मान न सिर्फ इमिग्रेशन के लिए बट पाकिस्तान में वेही बाहर जो बिजनेस जो तरीके से मू रन कर रहा या गोल्डन वीजा ला अप्लाई कर रहा है तहां जी फर्म उते भी कम कर रही है बिल्कुल असि कंपनी जी फर्म आ उनकी ब्रांच यूके में भी है उतना का करंटली अस बिजनेस वीजाज वर्क वीजाज अस डील कर रहा फॉर यूके कैनेडा में वर्क वीजा जेंदा ना बहुत मुश्किल यूएसए में भी मुश्किल 99% फ्रॉड थी रो पाकिस्तान में वर्क वीजा नाले तो हिंसा थोड़ी देर पे साई से गल ये बुधायम तो स्पेशली अस इंटीरियर जहाँ इलाका लाइक लड़कानो आ दादू आ सखर उतना काफ़ी अड़ी कॉल्स इंदन जो पैसा मतलब जया कर चुका हूँ जो ट्रेवल एजेंट्स या सो कॉल्ड एजेंट्स जो उनके कॉल कहना यूएई के वर्क वीजा ला कैनेडा के वर्क परमिट ला यूएसए के वर्क परमिट ला तो उन्होंने उनका लाखों रुपया उनका जो बटोरे छींदा मतलब तमाम घनी लेवल से फ्रॉड हली रो तमाम घनी मू पैसा दई कर भजन या थो हाँ, तो ये तमाम घो फ्रॉड थी रहा है यहाँ अवेयरनेस जरूरी है असने मानों ने वने हाँ, तो का बचन अच्छा यह अवेयरनेस हिंसर अगर मैं नाजरीन तीन पहुँचा चाहें तो चो पे वाकई यो तो फलां चंद एतरा पैसा लगंदा फलां चंद एतरा पैसा लगंदा मूँ वाकई में उन्होंने ट्रस्ट करें वो पैं जो तमाम सारी जिंदगी जो जमा पूंजी होंगी है ना तो उन्होंने दई छींदा कि खबर पे तो मूँ ऑथेंटिक है अच्छा पैर तो तुम उनो उन पेज ऐसो उन मतलब सोशल मीडिया से उन जो पेजस ठयल केतरे टाइम का कम कर रो ठीक है उनका जो रिव्यूज ऐसो ठीक है रिव्यूज ऐसो उन सक्सेस स्टोरीज ऐसो तो उन रिसेंटली केतर मानून के केतरे कम्युनिटीज के मतलब मोकलो आ ठीक है बाहर तो उन सक्सेस स्टोरीज उनमें होंद जो सो कॉल्ड एजेंट्स उनको पेज ना का ना बस उन अट्रैक्शंस ठीक है एज एन एजुकेशन एडवाइजर या कैरियर काउंसलर अस मतलब पॉजिटिव नेगेटिव सब डिस्कस न कर पर एक एजेंट को भी अड़ी शे डिस्कस न कर सिर्फ अट्रैक्शन से डिस्कस कर ठीक है ख्याली जन्नत ये वो सब उनके अड़ी बुधाई उनमें मानून के अट्रैक्ट कर उनके सैलरीज से डिस्कस कर हालांकि जो कैनेडा में वर्क परमिट इंदो ही ना इन ला मानून के उतना जो वर्क परमिट कढ़ने ला उतने सॉलिसिटर्स के हायर करो पव 70-80 लख रुपये खर्च वो भी कोई आम मानू के वो ना दींदा प्रॉपर रेफरल मानू के वो दींदा सही रेफरल सारे के प्रोसेस कराइंदा सही आई हाँ तो मुझे लगे तो एडो टफ है यो डिसाइड करण तो कड़ो जो फर्म है वो वधीक सही है बिकॉज जितरो भी सोशल साइट्स की गाल पा अजकल सब कुछ पेड है तक रिव्यूज खपन उ पेड है तक सक्सेस स्टोरीज खपन उ पेड है सक्सेस स्टोरीज ऐसो वीजा जो सक्सेस स्टोरीज वो तक ना मिली सकन ठीक है पेज लाइक्स मिलंदा हुआ
लाखों लाइक्स मिलंदा हुआ वो फेक हूँ बट एट ए टाइम जैसे तुम उन्हें कमेंट्स वगैरह या नॉर्मली हर पोस्ट से या उनकी डेली बेसिस से खबर पैजी वी सोशल मीडिया से तो उन्हें पॉजिटिव नेगेटिव रिव्यूज अगर कंपनी थोड़ी भी कम करे थी पंजन साल का नेगेटिव रिव्यूज कुछ ना कुछ इंदा 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 बिल्कुल ठीक है अगर उन गलत कम कंदो सही आई एकड़ी बी बी शी असावट डाढी कॉमन एक प्रैक्टिस आहे त असा इयो ब डाढो मैटर कंदो आहे त असा जो फला को रिलेटिव वयो आहे या फला को पाड़े वारो वयो आहे त असा उनन जे तरफ का सा एक अगर सही ट्रैक ते वयो आहे या कदी कदी लक भी थींदो आहे ता जी लक भी सुठी हुंदी आहे त ता के शेला वयो आहे उन खा पो ता जी उन में कामयाबी मिली वई त असा उनन जी गालन में भी असा अची विंदा त अच्छा हन यो ट्रैक आ कयो हो त असा के भी नई ट्रैक ते हलणो आहे अच्छा बिल्कुल इन में ऐसो एक तो अज के दौर में जो भी बाहर अच्छे बाहर वन चाहे तो इंदा काफ़ी स्टूडेंट्स पैर तो चंदा तो असानी मासी या पुफी के खबर न पे ठीक है कें बुधानी पसंद आन कंदा तो पोया केर वो 80% अस रेफरल आ मतलब जर अस मार्केट की गाल क्यों 80-90% अस रेफरल क्लाइंट हों एको बार वे पोया 10 बार बिहार ओवरऑल पाकिस्तान में मुझे ऑफिसू जन कराची लाहौर एबटाबाद में यूके में ओवरऑल जो पूरे पाकिस्तान में नेटवर्क है उतरे रेफरल क्लाइंट जाम आ अगर ओवरऑल अस रेशो कड़ा तो रेफरल आ पर वरी भी इतने घणो अजकल रुझान थो अस कें बुधाइंदा अस कम रुक अस तावीज़ा मत ही यो तमाम घो अजकल तमाम घो अस ये रिव्यूज़ मिलता स्टूडेंट्स में मूल खास कर उन्होंने गुज मदर्स बुधाणो ना कें तक पोस्ट ना करनी ताके वीजा ना आणो बार उते पहुंची बने उनका पो साल का पो असा बुधाइना सी हां पो बुधाइना सी ऐसा के कर बुधाइना सी नसी आ बाहर वियो घर का केर मेहमान अच्छी बेचना सी हां दोस्त जे घर वियो अच्छे भाड़े अच्छी वियो पर ये एक्चुअली असा वट ये 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 वाला जे ट्रस शूज आइन वे असा वट आइन आई मजे जी ये गाल है त असा वट जे त सक्सेस स्टोरीज जी गाल पे असा वट एरियो एक्चुअल स्टोरीज भी आइन जेके वाकई ये थे हुआ है तो जैसे तैं कें बुधाइंदा वो नीन पर जी मैं लिखाइंदा तो थी असा क्यों असा तें कर उन्हें चयन से बिलीव था क्यों अच्छा जी गाल कुछ इन बिलीव की तरफ मां वठी वन चाहिंदम उवे शयूं जेके जडे ता कराची ते नजर विझो था त असांखे उवे शयूं नजर अचन थियूं जेके असां बिलीव कंदा आहियूं त कराची हेड़ो हुजे कराची होड़ो हुजे या कराची का ॿाहिरि जेको माण्हू रहे थो ख़बर पए थी जी कराची हिकु अहिड़ो सिटी आहे जेको पाकिस्तान खे हलाए रहियो आहे पर जेको रहे थो वो जाने थो तो केतरियूं केतरा मसाइल आहिनि जेके कराची के ॾिसणा पवनि था असां वटि पाणी जो गैस जो बिजली जो इहे मसाइल त पंहिंजी जॻह ते आहिनि पर एक क्राइम रेट है जो कराची जो आए ढी वधंदो थो वने आई कें जगह ते वो स्टॉप थींदो आहे ॿ ॾींहनि जे लाइ टे ॾींहनि जे लाइ चौथे ॾींहुं वरी वही साॻी ॻाल्हि हूंदी आहे इन जो रीज़न छा था समुझो उन ते कंट्रोल छो नथो थिए ॾिसो पूरी दुनिया में जिते जिते अमन आहे ठीकु आहे असां वटि चोरी डकैती अॼुकल्ह साइबर क्राइम जेको बि असां वटि लॉ ठहे थो इहो लॉ एक्चुअली असां वटि सॼो कॉपी पेस्ट आहे ठीकु आहे इहो सॼो कॉपी पेस्ट आहे ऐं लॉ सभ खां पहिरें माना कामयाबु मुल्कनि में ठहे थो ठीक है असा दिसूं था फॉलो क्यों था तो हे उन शे में कामयाब थी रहा इन मसलन के ये इन तरह से हल कर रहा अस उत लॉ ठाऊँ था हाँ तो लॉ तो ठही वन था अस वो कॉपी पेस्ट कर असेंबली लॉ पास कन थी लेकिन लॉ पास थे अवेयरनेस ना है ठीक है जी हाँ पुलिस की भी अस गाल क्यों तो कुछ ढीं अगो यूट्यूब चैनल आते वीडियो ठाई हुई तो पुलिस के इख्तियार को कें भी गाड़ी रोके उनके स्नैप चेकिंग कन उनकी गाड़ी की तलाशी वन पुलिस वो इख्तियार ना हाँ अमूमा तुम रिजा हों हर जगह ते पुलिस नाकाबंदी करे माना दिहाड़ी कमाए थी ठीक है हाँ इनको एक रीज़न यो भी आए तो पुलिस ऑफिसर जी ये तलाशी वन था एक्चुअली में उनके पान के खबर को तो उन्होंने एक्ट जो वो इलीगल एक्ट आ इलीगल एक्ट शायद ही तो प्रैक्टिस में अच्छी प्रैक्टिस में हाँ और प्रैक्टिस में अच्छी लकीर जहाँ फकीर जो उनका पो माना इंडल्ज थे या भर्ती थे मूँ उन्होंने पेरन वार फॉलो कन था बी कर तरीको आए मानुन खां पैसा कमायूं माना एक दिहाड़ी सिस्टम आ पुलिस वाले कमायण आना किते ना किते नाको हणी बी रहा पर यो उन जो एक्ट इलीगल आ उनके खबर ना है जे मारन के खबर हुंदी तो शायद ही इन शे में माना घटताई इंदी हाँ ते मसलो छा है असा वट लॉ तो पास थन था पर अवेयरनेस ना है जे हाँ असा 2013 में एक डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट पास थो ढो सुठो लॉ आ ठीक है हाँ तुम गाल कई कराची में क्राइम की हाँ। लेकिन मां समझा तो सब खों पहरे जो अस इंडिविजुअल से क्राइम थी असें घर में थी नंढे होने का असा वे तई
असा के घर में मार भी मिले थी टॉर्चर भी थूं था प्रेशराइज भी थूं था इवन शादी का पो असा कल्चर जो है ना क्राइम के ओवररूल कर दो है हो सारे खबर ना है ना मां अगर या पी थप्पड़ मारे तो वो चे तो मां बाहर के सिखाया तो उनके यो ला खबर आ तो मां थप्पणी सिखाया तो पर उनके यो ला खबर ना है तो यो एकड़ो क्राइम भी आए आई गड गड असा अगर पेजे माने दीनी तालीमा जी तरफ वणो तो उते भी रुको प्यार या असा नबी पाक जी जिंदगी के वठौं तो छा उन पेजे बार के मार कुट करे गुसो रही करे कुछ सिखायो तो पु एक्चुअली असा के अवेयरनेस ना जे माल असा अवेयर थियूं था ठीक है मां समझा तो जो कोई आज मुआशरे में जेके भी इश्यूज है ना सबको वडो मसलो अवेयरनेस जो आ जे माल अवेयरनेस इंदी वो लीगल अवेयरनेस दी मां गाल कदम ताचो जो क्वेश्चन लीगल हो तो जिते जिते लीगल अवेयरनेस आए तो मसाइल घट थन था बाकी क्राइम पूरी दुनिया में आ छो जो मां अक्सर रिसर्च कंदा रहंदा आं डेली कोई केस ला पाकिस्तानी न मिलंदा आहिनि त असांजा सराउंडिंग कंट्रीज़ जेके आहिनि या यूरोप कंट्रीज़ जा ॾिसंदा आहियूं उते छा थियो पोइ उते जा असांखे केस ला मिली वेंदा आहिनि इट मीन इहे इशूज़ उते बि आहिनि ठीकु आहे पर हिते थोरा वधीक इन करे नी छो जो ॾिसो न हिते दुनिया ड्रामेटिकली तरक़ी करे रही आहे असां साइंस टेक्नोलॉजी जो कैमराज़ जो सी सी टी वी कैम जो मतिलबु तमामु घणो यूज़ थी विया चालान जी ॻाल्हि पाण ॻाड़े पिया कयूं त असां हिते सिग्नल तोड़ींदा आहियूं ॿाहिरि वेंदा आहियूं त असां ॾाढो ड्राइव जेको आहे केयरफुली कंदा आहियूं रीज़न बैंड त हुते तव्हांखे सिग्नल ते कोई रोकींदो कोन कैमराज़ आहिनि तव्हांखे वॉच कनि थियूं तव्हां घर पहुचंदो तव्हां वटि चालान पहुची वेंदो विथ पिक्चर बिल्कुलु तव्हांजी केतिरी स्पीड हुई टाइम केतिरो थियो हुयो ठीकु आहे तव्हांजे चालान अची वेंदो ऐं इवन उहो चालान तव्हांजे बैंक अकाउंट मां पे बि थी वेंदो ठीकु आहे न उते ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे टेक्नोलॉजी जो यूज़ था कनि हाणे हिते छा आहे पुलिस वारो साम्हूं बीठो आहे उहो रोके थो उहो चए थो 500 का चालान अगरि 200 दे दो पोइ ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे असांखे टेक्नोलॉजी यूज़ करिणो आहे न जेके मुल्क अॼु टेक्नोलॉजी खे यूज़ कनि था उहे इन तजुर्बे मां गुज़री करे उहे टेक्नोलॉजी ते आहिनि त जंहिं महिल ह्यूमन एरर कंदा माण्हू हूंदा फ्रॉड कंदा इनखे असां टेक्नोलॉजी ॾे वठी वञूं पोइ मां सम्झा थो हिते असांखे उहो टेक्नोलॉजी तरफ़ वञण जी ज़रूरत आहे वेंदासीं त जाम क्राइम जेको आहे घटिजी वेंदो बिल्कुलु बिल्कुलु असां जल्दी सां ब्रेक जी तरफ़ हलूं था नाज़रीन वक़्तु आहे ब्रेक जो तव्हां सां मुलाक़ात कंदा नंढी कमर्शियल ब्रेक खां पोइ जी वेलकम बैक अच्छा मॉर्निंग जो सभी का एक जो सुठो हिस्सो हों ना वो मुझे ला यो भी उन तमाम शो हों जैसे तीन गरम गरम चाय जो कप हथ में तहाँ अची चुको है मैं नाजरीन के बुधा चाहें थी थोड़ा सो आराम से चाय पीन मूँ गरम गरम चाय खत्म कर पर अस आराम से पीन अच्छा जी थोड़ा सो उन प्रोसीजर्स की तरफ भी अच्छा चाहें थी जो अज अस मान सवाल है केर कैपेबल है बाहर वन जैसे स्टूडेंट्स की गाल कैपेबिलिटी छा है आई केड़ो मानु आहे जेको वनी सके तो एकड़ो तो ना मानु से सोचिंदा त असा विंदासी कंदासी आई पो वरी मानु इन जे करे भी मानु काफी पोया हल्या विंदा त केर वने केर पुछे अगर नॉलेज होजे तो शायद मानु डायरेक्टली वनी सके कंट्री टू कंट्री वेरी तो करे इन जे रिक्वायरमेंट्स जरे असा वट केर इंदो आए त असा उनका पहिरो सवाल यो कंदा आयो त भई ता के केड़े कंट्रीज से पणो आ सेटल थणो आ उते निकणो आ एजुकेशन वठणी आ या खाली निकरणो आहे उते मतिलबु हिकिड़ी सेटलमेंट लाइ वञो था सिटीज़नशिप लाइ वञो पिया डेफिनेटली तव्हां जेके तक़रीबन माण्हू वञनि था स्पेशली जेके असां वटि अचनि था कंसल्टेंसी वटि त उहे यूके यूएसए कैनेडा ऑस्ट्रेलिया आयरलैंड इन्हनि कंट्रीज़ में सेटलमेंट आहे त इन्हनि कंट्रीज़ लाइ मोस्टली ईंदा आहिनि माण्हू त पोइ उन्हनि जी जेके बि माण्हू ईंदा आहिनि उन्हनि जी पहिरियां त असां असेसमेंट कंदा आहियूं ठीकु आहे मैट्रिक खां वठी करे ऑनवर्ड्स नॉर्मली एडमिशन्स ते जेको आहे असां एडमिशन कराए उन्हनि खे वीज़ा प्रोसेस कराईंदा आहियूं सही ठीक है हाँ कुछ कंट्रीज की रिक्वायरमेंट्स घट आ कें नॉर्मली एक इंग्लिश रिक्वायरमेंट्स होंगी ऑनलाइन इंग्लिश जो टेस्ट भी थन थी आइल्स वगैरह जी टेस्ट वगैरह थे थी वह टेस्ट आ फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स दिखाना बैंक स्टेटमेंट दिखाणी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट मीट कर एडमिशन कराइंदा तकरीबन ये समझो कि कंट्रीज में अगर यूएसए जैसे गाल क्यों तो उतने मोस्टली ट्यूशन फीस है वह इंस्टॉलमेंट में पे थी ठीक है अगर को बार चवे तो मोट पैसा 3 लाख रुपया तो वो भी अप्लाई कर सकते पाकिस्तान 3 लाख रुपये में इनमें शुरू में 2.5 लाख रुपया 2.5 लाख रुपये तक खर्च थी तो वे एप्लीकेशन का वी करे वीज़ा प्रोसेस तई उनको वीज़ा लगी तो वे उन 90% यूनिवर्सिटीज उतने पहुँचने का फीस इंस्टॉलमेंट प्लान दिन सही तो उतें जी यूएसए में अगर गाल कंदे तो यूएसए में इनकम एतरी आ अगर अस उन 30% लगे तो 30% इनकम जो उन थी वेंदो आहे बाकी 70 न त 50% उहो बचाईंदो बि आहे बचाईंदो वाइल स्टडिंग इन द यूएस खाली अगर यूएस जी ॻाल्हि ठीकु आहे
वरी अचूं था यूके तो यूके में घट में घट 30-35 लाख रुपया बजट मानू वट हो जे तो 6 महीनन जी फीस एडवांस वडनन ओके ठीक आ ब छयो अस दिसन आयो जेके हिकड़ी तो उनन जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स वो पूरी थे थी लाइक वो 30-35 लाख रुपया बजट आ है तो वो यूके ला वनी सके तो बियो इंग्लिश रिक्वायरमेंट मीट कर सके तो इंग्लिश तो थोड़ी घणी होजन खपे अस वट अनफॉर्चुनेटली सिंध में अड़ा बार इंदान उनन जा A1 ग्रेड उनन पर आइल्स इंग्लिश तो चंदा ना परे परे ना तालुक ना है वो A1 ग्रेड की तो जो आना देख में खबर ना पई आ ठीक है ये सवाल है एक्चुअली ये एक्चुअली बड़ा सवाल है ठीक है जदे त ता ओ लेवल ए लेवल जो बार सो सी ग्रेड आरो बार पूछनो आइल्स मुजला को मसलो ना है उन जी इंग्लिश तमाम बेहतरीन हुंदिया त ही असा दिसी रहे आयो त असा जो एजुकेशन सिस्टम काडे बनी रहयो मतलब असा शायद पैसा देई करे ग्रेड वठों तो या कॉपी कल्चर है पेड डिग्रीज आहिन खोर सारा फैक्टर्स तमाम घणो फेक डिग्री सगड़ो असा उन के चेक करना आयो पर मीनवाइल जो मेजॉरिटी बार अचे तो यो को फैशन थी तो भाई मुझे बार A1 ग्रेड साइन दो आने ठीक है ये नॉर्मली ओपन चवा पे तो नॉर्मली यो बोर्ड ऑफिस के मूँ दिसे बोर्ड ऑफिस में बाकायदा ऑफर्स वन थी मानून के एजेंसियों के ऑफर थी वन बाबा ये 2 लाख रुपये में A1 ग्रेड 1.5 लाख रुपये में A ग्रेड ठीक है यो सिचुएशन हली रही है इन शन के भी मूँ दिसन ठीक है मीनवाइल जैसे वो बार वीजा लगी तो वे जैसे वो इमिग्रेशन से पहुंचे तो वो गल ना तो सके कुछ बार बसेंट बे बार रिपोर्ट भी थन्दा गाल ठीक है तल को सो सही ठीक है हु इज अ फाइनेंशियल स्पॉन्सर ये तो याद ही ना पेपर में पेपर चेंज थी वो पेपर लीक थो वो पेपर को अच्छा पर थोड़ो सो मां नाजरीन त ये गाल पहुँचा चाहम तो अगर इन वक्त को बार अड़ो है जो इन तमाम शयन का परे है जो कैपेबल भी है जो वन भी चाहे तो उन बजट एक वो इशू है जो हकीकत है बट इन का हटी अगर थोड़ा सा नज़र विझण चाहूँ तो जो घट बजट में भी हुए जो ईजी एक्सेस भी हुए बार पेरेंट्स भी तो वह कड़ी कंट्री है जैमें सुी एजुकेशन भी हो करें में अगर अस गाल से एशियन कंट्रीज की या तुर्की की गाल क्यों तो तुर्की में फीस जी एवरेज जी वह $2,000 का $4,000 फीस है ठीक है समटाइम यो भी महंगी आ काफ़ी बार इंदा मानू तो उन्होंने स्टेट यूनिवर्सिटीज हूं तुर्की में स्टेट यूनिवर्सिटीज हूं उन्होंने फीस $500 आ पाकिस्तान 1.5 लाख रुपये ठीक है 1.5 लाख रुपये फीस आ या 2 लाख रुपये फीस आ उनमें 50,000-60,000 बो खर्च लगा छोड़ो या 1 लाख रुपये बो खर्च लगा छोड़ो तो 3-5.5 लाख तक भी बार वही सकता इन कंट्रीज में हाँ अगर बी गाल क्यों इटली आस 2017 का वही 2021 तक असा सुठी तरीके से प्रमोट किया इटली वन मू इटली में एजुकेशन फ्री भी हुई प्लस स्टेपेंड भी हु एजुकेशन फ्री प्लस 15 लाख रुपया गवर्नमेंट दे पी साल उनका अलावा उनके वर्क परमिट में भी चेंज थी पा वन सेटलमेंट के तरफ भी वन पाया उत मूव भी थी सकन पा जब तक वंस शेंजन कंट्रीज में पहुंची हो तुम जर्मनी मूव थो नैदरलैंड मूव थो कड़े मूव थो मन मूव भी थी सकन पा प्लस उतने एजुकेशन का अगर फर्दर मास्टर्स लाए ओतो एलिजिबल थी पा उतने फाइनेंशियल कमाए कर अगर मूव थन पा कैनेडा यूके जिनकी अगर ड्रीम्स पर हिं रश तमाम घनी हिंसर जो हालात हिंसर जो नवींदा हुआ मूँ जो बिल्कुल अड़न अड़न इलाकन में जो मतलब रिकमेंड ही ना कहता बार मोकिल उ भी चाहता बार वही बाहर वनो ठीक है हाँ उनमें मिसाल तौर जी फ्री एजुकेशन कंट्रीज फ्री एजुकेशन दियन था उनमें खर्च न हो उनमें स्टेपन भी है बट अगेन लख बार अप्लाई कन था उन कोटा होंगी तुर्की तरफ तुर्की में स्टेट यूनिवर्सिटीज में घट फीस आ पर मां चवंदा ये अगर इन्वेस्टमेंट एक चक्कर तुम कहो था वो चाहे 15 लख आ चाहे 20 लख या 30 लख रुपया एक चक्कर ये इन्वेस्टमेंट आ पर तुम कें सुठे कंट्री में वो उते तुम जी एक्सपेंसिस विद इन 6 मंथ तक सब निकरी था वन
मां यो जेके मोट स्टूडेंट्स इंदा न मां उनन के ऑलरेडी जेके वेल बार हुंदा न उनन सा भी कनेक्ट कंदो आं मोट जेके सिंधी फैमिलीज इंदो न स्पेशली जेके स्पेशली यूके में यूएसए में ऑलरेडी बार वेल न उनन हु जदे उनन के भो हुंदा त भई बार पैसा कढी सकंदो न सकंदो असा वटा आहे न ये 20 लाख रुपया 30 लाख रुपया उते खर्च कंदो पो मां उनन के चंदो भई ही ता वठो कनेक्ट थियो उते जेके ऑलरेडी स्टूडेंट्स न उनन का पुछो जेके पोएं साल बयान तब तब पो तहां अप्लाई कियो पो तहां अप्लाई कियो बिकॉज़ तक एकड़ो अंदाजो थी वने ते एक त लाइव जेको एग्जांपल आए वो केड़ो आए अच्छा इन सा गरुगत कुछ गालियो मां हन तरफ भी शामिल करन चाहिंदम अज असा जरे त एडवोकेसी जी गाल था कयो त असा वट यो भी असा रिठो है जे तरीके सा हते नंबर वधिक आए इमिग्रेशन जो उही असा जी एडवोकेसी जेको रेट आए वो भी वधंदो पियो वने उन जा भी असा जेका लॉ जो स्टूडेंट्स आइन पहिरी किथे कुछ घट नजर इंदा पर अज यूनिवर्सिटीज भी वधिक आइन क्लासेस भी फुल आइन आई जाहिर असा के वो नंबर वधिक नजर इंदो पियो वने छा फ्यूचर आए एडवोकेसी जो पाकिस्तान में मां समझा तो वकालत में तमाम घणो वैक्यूम आ तमाम घणो वैक्यूम आ तां ॾिठो हूंदो वकालत जो ट्रेंड अञा हाणे शुरू थियो आहे ठीकु आहे हाणे नयो शुरू थियो आहे जीअं साईं चयो त के मुल्क अहिड़ा आहिनि जिते हाणे स्पेस कोन थो मिले लख माण्हू अप्लाई कंदा त उते सभु माना थोरी सी परसेंटेज आहे लेकिन हिते तमामु घणो स्पेस आहे तव्हां ॾिठो हूंदो माना पाकिस्तान जी कोर्टुनि में नंबर ऑफ केसिस जेको आहे पेंडिंग आहिनि ऐं डेली न्यूली इंस्टीट्यूशन माना जेतिरा केस असांजा अॼु ख़तमु नथा थियनि हज़ारे केस नया डेली फाइल था थी वञनि पर तमामु घणो आहे ॿियो जीअं मुल्क में हाणे लॉ एंड ऑर्डर जी सिचुएशन पहिरें खां बहितर थिए पई अॻु में माण्हू टैक्स फाइल कोन कंदा हुआ रूल्स फॉलो कोन कंदा हुआ मां सम्झा थो हाणे हर घर में हर माण्हू खे वकील जी ज़रूरत आहे उनखे लीगल काउंसलिंग जी ज़रूरत आहे ठीकु आहे न ऐं ॾाढो सुठो फ्यूचर आहे वकील वकालत जो मां तव्हांजे चैनल जे तवसुल सां माण्हुनि खे ॾाढो मोटिवेट कंदुमि त हिन फील्ड जी तरफ़ ज़रूरु अचो ऐं घणा माण्हू चवंदा आहिनि त अॼुकल्ह असांजी नीड आहे पाकिस्तान में त हर घर में वकील हुजे माण्हू सेफ सिक्योर फील कंदा आहिनि पर मां सम्झां थो तमामु घणो वैक्यूम आहे वर्ल्ड वाइड तव्हां कोर्टुनि में लिटिगेशन सां गॾु गॾु जेके कॉर्पोरेट्स जॉब्स नी तव्हां ॾिठा हूंदा हॉस्पिटल्स नी जी साईं जी पंहिंजी भले हिकिड़ी कंसल्टेंसी फर्म आहे पर मां सम्झां थो साईं खे बि वकील जी ज़रूरत पवंदी हूंदी पोइ इन करे हर बिज़नेस मैन खे हर सर्विस रेंडेड बिज़नेस खे पंहिंजो धरती टीवी चैनल आहे इन जा बि ज़रूरु के लीगल काउंसिल हूंदा त तमामु घणो वैक्यूम आहे हा इहो आहे वकालत हर ॾींहुं मुस्तक़िल मिज़ाजी सां महिनत करण वारो आहे माना हिते इहो न आहे सपोज़ कयो मां कल्ह ताईं जेकी महिनत कई हुई हाणे मां अॻिते सर्वाइव उन महिनत ते नथो करे सघां मां सम्झां थो मां वैसे बि चवंदो आहियां त ज़िंदगी हिकिड़े हिकिड़े ॾींहं जी आहे पर मां स्पेशली पंहिंजो पाण खे जंहिं मां ॾिसंदो आहियां त मूंखे लॻंदो आहे त न अॼु वरी नया चैलेंजिस आहिनि कल्ह ताईं मुंहिंजी जेके अचीवमेंट्स हुयूं या जेकी सक्सेस रेट हुयो त अॼु वरी नई ज़िंदगी नयो केस नई स्टोरी नई सिचुएशन नया माण्हू नई कोर्ट छो जो सिटी कोर्ट जी अगरि असां ॻाल्हि कयूं त सिर्फ़ु सिटी कोर्ट जे अंदरि 198 कोर्ट्स नी त हर जज जो पंहिंजो माइंड मूड फैक्ट्स पार्टीज़ साम्हूं वारो काउंसिल सभु शयूं अलॻि आहिनि त वकालत ॾाढी चैलेंजिंग फील्ड आहे माना तव्हां सोचो न तव्हां फैमिली मैटर कया या तव्हां मर्डर केस डील कया त हर केस ॿिए केस खां तमामु घणो मुख़्तलिफ़ आहे ऐं उनखां पोइ अॼु जज जी सीट ते तव्हां वेठा आहियो सुभाणे साईं जज लॻल आहिनि सुभाणे साईं हर कंहिंजो थॉट प्रोसेस अलॻि आहे हिकिड़े घर में चार भाउ भेण आहिनि तू अलॻि तरीक़े सां सिचुएशन खे डील कंदा आहिनि अलॻि तरीक़े सां सोचींदा आहिनि त हिकिड़े वकील खे तव्हां सम्झो तव्हां वटि अगरि हिकिड़े ई नेचर जा अगरि केस ईंदा हुजनि लेकिन जज अलॻि अलॻि आहे आई ओ अलॻि अलॻि आहे त उनखे कहिड़े तरीक़े सां पंहिंजे केस खे उनजो माइंड जज जो माइंड पढ़ी उनजे थॉट लेवल ते वञी उनखे सम्झाइणो पवंदो हूंदो पोइ ॾाढी चैलेंजिंग फील्ड आहे ऐं हिन में असांखे हर रोज़ु महिनत करणी आहे हिन फील्ड में उहो ई माण्हू अचे जेको ॾाढो चैलेंजिंग हुजे जंहिंखे चैलेंज पसंदि हुजनि जेको हर रोज़ु महिनत करे सघे लेज़ी माण्हू जो कमु हिते न आहे सही अच्छा हिकु ॻाल्हि जेका मां शामिलु करणु चाहियां थी हिते त असां वटि हर फील्ड में इवन मां हिन कुर्सी ते वेठी आहियां त शायदि हिते बि कई सारी शयूं अहिड़ियूं मां फेस कयूं हूंदियूं असां वटि फोर्सफुली शयूं ॾाढियूं कराए वेंदियूं आहिनि बिल्कुलु पैसे जे दम ते त थींदियूं आहिनि पर जेको हिकु पावर आहे उनजे दम ते बि काफ़ी सारियूं अहिड़ियूं शयूं आहिनि जेके थी रहियूं हूंदियूं आहिनि हिकु वकील जे मथां केतिरा प्रेशर विधा वेंदा आहिनि या केतिरो ही हिकु माना हिकु वॾी बहस आहे त तव्हां लिफ़ाफ़ा वठी कमु कयो था हीअं कयो था उहो कयो था इहे हर फील्ड में हूंदा आहिनि त इन ते मां अचण ई नथी चाहियां बट अदरवाइज चाहे वो सोसाइटी जो हुजे या के मिट माइट जो प्रेशर हुजे या के दोस्त यार जो हुजे या वरी पो किथा के ॿी जॻह तां को पिटीशन नंबर अची वञे सो अहिड़ो अहिड़ा प्रेशर बि फेस करणा पवंदा आहिनि ॾिसो न माना हिकिड़ो टॉपिक तव्हां डिस्कस न करणु चाहियो पाण उन टॉपिक खे कटे करे सपोज़ की हिकिड़ो वकील आहे जेको माना रियली प्रोफेशनल वकील आहे ठीकु आहे उनजे मथां को थ्रेड कोन्हे को टॉर्चर कोन्हे को प्रेशर कोन्हे लेकिन
जी जिम्मेदारी जो छोड़ो प्रोफेशनल वकील जो उनके मथा कम की जिम्मेदारी है सपोज कर तुझे केस खी अचो प्रोफेशनल वकील हाँ तो केंद्री जिम्मेदारी समझ प्रोफेशनल तरीके से डील क्या छोजो तुम वकील ना हो ठीक है मानू इतने वकील वे मारी ना समझा वकील वट को जादू की छड़ी है ये घुमाई है मुझे कम थी वो तो लिटरली पाकिस्तानी कोर्टू तुम इतने दिठो हों तो केस फाइल थन्ना केदो लिंगर ऑन थन्ना डेट्स कें ना कें रीजन से समझा तो प्रोफेशनल वकील के भले बया के थ्रेट्स होजन न होजन बो को टेंशन टॉर्चर होजन हो लेकिन उनके क्लाइंट के हर वक्त सेटिस्फाई रखन जो जहन में जो टॉर्चर हों जी मुझा क्लाइंट इंदा तो मुख्य यो लगे ठीक है फैसला तो कोर्टन के करना लेकिन घट में घट मुझी या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है मुझी प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो मां पेंजे क्लाइंट के तो सेटिस्फाई रखा मुझे उनसा जो रिश्तो आ या कम्युनिकेशन जी लेवल आ वो एडी स्ट्रांग हुए ताकि वो मुतमैन हुए तो यहाँ भी वही रिस्पॉन्सिबिलिटी या चैलेंजिंग आ असा वट जे भी मानू इंदा वकील वट मां पेंजे अक्सर एसोसिएट के बधाई हां मां चो असा सोशल डॉक्टर आयो हाँ अस वो ना वो कें ना कें बीमारी की वजह से अचे तो जो डॉक्टर आन मू खुशी में तो नहीं असा हाँ। मूँ परेशानी में इंदा कोई जाल मुड़स विड़ी इंदा को बार मसलो हों भा भेण विड़न था पी सा विड़न था या बिजनेस पार्टनर विड़न था ऑलरेडी पेंजन में फेडअप थी कर ठीक है काथो धोखो खाई कर उनको असाते भी ट्रस्ट एक जुडिशल सिस्टम जो ट्रस्ट बे वकील से ट्रस्ट करें दुख तो समझा पी असो एक वकील जो तमाम वड्यु जिम्मेदारियां जेके निभाणी पोंदियन हां हां आई असा के डाढो उन प्रेशर जेनी सा गाल पिके डाढो प्यार सा ता बेन प्रेशर सी गाल करे उन प्रेशर के किते लिखाय छड्यो पर आई गेस वे शयूं जेके थी रहियूं आहिन न सिर्फ जे जगह ते असा बैठा आहियूं न सिर्फ इते मुखे लगे तो ये दुनिया जे हर कुंड में आहिन आई मुखे लगे तो कामयाब इंसान ही आहे जेको उन प्रेशर्स का गो थ्रू करे ई पंजो मकसद माने मुझे ख्याल में कामयाब इंसान वही आहे। आखिरी गाल जेका प्रोग्राम में मां शामिल करण चाहे थी जल्दी सा तो तहां अगर तहां जे इन फर्म के थोड़ो सो साइड ते रखी है एक पाकिस्तानी हां एक नॉर्मल पाकिस्तानी एक नॉर्मल शहरी जे हैसियत सा तहां जदे उन नजर सा दिसो था तहां के छा थो लगे तो पाकिस्तान जो जेको आम बार आहे या जेके मानू हुम पंजे करियर रा भी बाहर वनी रहा हैं उबे तमाम मानू उनन जे ला ये सही फैसला आहिन या अज भी तहां के लगे थो तो असन के हते ही रही है पने पान के ग्रो करन खपे तमाम बेहतरीन गाल पर इन फर्म के तो पासे ते रखे जो ना मां करियर काउंसलर आया तो हमेशा पानी फर्म के पासे ते रखी करे ही जबरदस्त गाइड कंदो आया मां हमेशा पाँच काउंसलर्स के भी चवन तो बच्चन वागू इनके गाइड कौन तो सुबह तुझे बच्चन जो फ्यूचर ठीक सो ये एक अमानत है ठीक है अगर कें परेशान मतलब अस गाइडेंस दूँ था उन गाइडेंस में असि इंट्रेस्ट आ असो क्लाइंट अर्न कहीं सुबह बर्बाद होते या वो फाइनेंशियली अची तो वे क्राइसिस में उन मंजिल से नो पी सके सुबह वो पैसों खी अस बच्चन से लगाइंदी ठीक है तो इन शे अस बिल्कुल गाइडेंस आ ट्रांसपेरेंट होंगे ठीक है हमेशा दिसो जेडी मल जैंखे मौको मिले ना उनके अवेल करे ठीक है बाहर जेके वनन था मानू हती फ्यूचर पेरा तो ऐसा जरे करियर काउंसलिंग कयूं था हते दिसो ना फ्यूचर छ है के भी फील्ड जो ठीक है साईं जे करे मां चो तो मुखे मुखे मोकलो बारेड लाते या को कोर्स बुधायो मां वापस अची करे हते मां बैरिस्टर थिया तो मां बिलीव सा चाहां तो ही साईं वापस नहीं दो ठीक है इनकर वापस नहीं दो जो ही पान है ना सोसाइटी में बेजार हों ठीक है उते साईं के पांजा बच्चा भी उन जो फ्यूचर भी दिसणो हों सही ठीक है उन सोसाइटी के भी दिसंदो तो भाई उते केतरी अपॉर्चुनिटीज हैं मां एकड़ी गाल तो चवां मुजी चार बारन बधियुन ब पुटरन मां एकड़ी वाइजली एकड़ी गाल तो क्या मां हमेशा डिस्कस भी कंदा पानी फैमिली सब डिस्कस कंदा ठीक है तुम इतने मां जो 20 करोड़ 30 करोड़ 40 करोड़ तुम रखी था वो अचानक इतने डेथ थी वे ठीक है तो उन मानू जे उन पैसन जो का खबर ना उन्हें बच्चन के मिलता ना मिलता एक गाल याद कजो गवर्नमेंट का भी उनके सिक्योरिटी न दींदी उनका उन माइट उन चंदा अचो तक इन्वेस्टमेंट से कराय ठीक है अनटिल एंड अनलेस जैसे तक भी पैसा खत्म न तुम जीरो से हलिया वो बाहर अगर कें डेथ थी वे अला माफ़ करे तो उनके बच्चन की सिक्योरिटी एटलीस्ट उनकी एजुकेशन सुठी थी वी उनके अलाउंसेस एतरा मिली वा उन फ्यूचर सिक्योर हों ठीक है ये पानी फैमिली से बुधा ये जो उतना ना मुझे बार उतना वाइफ के चवन भाई हलो
ठीक है, इतने सब कुछ आए ना, सब कुछ ना इतने अगर मुख्य पान को डप नहीं आई वही इतने कुछ तो दे आर नॉट सिक्योर्ड ठीक है न्याणी उतने सिक्योर्ड है ना न्याणी सिक्योर ना उतने सिक्योर है सही। सो एक अगर तुम सुठी सुठी लाइफ गुजारन चाहे था एक कंप्लीट लाइफ गुजारन चाहे था एक लाइफ स्टाइल पर सुठो कर चाहो था सिक्योर लाइफ गुजारन चाहो था तो यू शुड मूव एडवाइस है। खैर जी प्रोग्राम में टाइम बिल्कुल खत्म थी वो है थोड़ा सा लेट आयासी उन बो कुछ अड़ी शूं थी जैसे कर लेट थी वैसी पर जी थैंक यू सो मच तुम बिन्नी जो असने प्रोग्राम में होने के लिए एंड आई एम श्योर तो काफ़ी सारी अड़ी गाल प्रोग्राम में रखी हुआ जी असो के यूथ के लिए अजो के बार के लिए ढूं फायदेमंद हैं। थैंक यू सो मच एक दफो बीहर तुम बिन्नी जो आखिर में जल्दी सा हाशिम भाई तुम इंतजार थी रो है हाशिम भाई थोड़ी रोजी हलाल था क्यों आखिर में ही सही पर रोजी हलाल था क्यों इन शह वही मुलाकात तुम्हारे तेज तीन सभी के इजाजत अल्लाह हाफिज जी हाशिम भाई। मां दीवानो तुझ जो आया।